जोड़े के खन खन सूर्या जोड़े के खन खन सूर्या जोड़े के खन खन जोड़े के खन खन सूर्या जोड़े के खन खन सूर्या जोड़े के खन खन अरे बाप रे, ये बाबा तो सच में खतरनाक लग रहे हैं। करेले का भूत इनको देख के ही भाग जाएगा। अच्छा जी, है ना बड़ा बढ़िया अरेंजमेंट। ओ मैं तो एक एक पल का मजा लूंगा। देखते हैं क्या होता है। ओए यारो, ये चूड़ी वाले बाबा तो काफी डेंजरस दिख रहे हैं। मेहता अंकल का क्यों होगा? टेंशन मत ले कोगी, ये तो ये बाबा ढोंगी लग रहे हैं। जैसा प्लान किया ना वैसा ही करें। बाबा हम आ गए हैं। ये है चूड़ी वाले बाबा जो भूत प्रेत को चुटकी में भगाते हैं। जय चूड़ी वाले बाबा की जय, चूड़ी वाले बाबा की जय, चूड़ी वाले बाबा की जय, चूड़ी वाले बाबा की। मेरी चूड़ी उसकी समस्या उड़ी। के बाद क्या बोला बस समझ में नहीं है। कुछ नहीं, ये मेरा भूत को डराने का तरीका है। वीडियो बनाता है स्टडी के लिए। हाँ बनाओ बनाओ। निकालेगा वरना ये भूत तुम्हारे मोबाइल में घुस जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में बदलाव लाएगा। यार पीछे जाओ, कोई शूट करने की जरूरत नहीं है। प्लीज प्लीज शूट क्यों कर रहा तुम? अरे आत्माराम मैं स्टडी के लिए वो वीडियो ले रहा। नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ये चूड़ी वाला बाबा करेले की आत्मा क्या हमारी आत्मा भी निकाल लेगा। मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। जाओ अब उस इंसान को लेकर आओ जिसके शरीर पर करेले के भूत ने कब्जा किया है। लाओ भाई लाओ। आइए फोन दो ना। अरे फोन आ गया। हेलो हेलो अंजलि भाभी, यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है। आप मेहता साहब को लेके ऊपर आ जाइए। हाँ हाँ हम आते हैं। हाँ हाँ ओके। वो आ रहे हैं बाबा। चलिए तारक। नहीं अंजलि प्लीज। तारक चलिए प्लीज। कसम खाई थी ना आपने, चलिए। ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे अंदर मेरी ही आत्मा है, किसी और की नहीं। हाँ। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक हो जाएगा। चलिए आप, अरे चलिए आप। अभी यहाँ पर ऐसा होने वाला है जो आपने पहले कभी नहीं देखा है।